हेलो दोस्तों, जय हिंद। सीधा बात, नो बकवास। सिर्फ 18 बत्तख और 18 मुर्गी से आप महीने का 22,500 रुपया कमा सकते हैं। सुनके यकीन नहीं हुआ ना? अभी हम डिटेल्स बताएंगे। हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा लेट है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बिना हम वीडियो बनाते नहीं हैं, तो इसलिए हम अभी वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें दो कैटेगरी है, सबसे पहले 18 बत्तख, उसके बाद सिर्फ 18 मुर्गी। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो है बत्तख के साथ। और हाँ, अगर आप छोटा फॉर्म आपके पास है या छोटा तौर पे आप शुरू करना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए वीडियो है। और अगर आप बड़ा फार्मर है, आपके पास ज़्यादा बजट है, ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आपको वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहला कुछ बेसिक चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं, 21 से 24 दिन में कोई भी अंडा हैचिंग होता है। तो मेरा जो ये प्रोडक्शन साइकिल है ये 24 दिन का है, 24 से 25 दिन का। 25 दिन का ये प्रॉफिट है, एक महीना सिर्फ बोलने के लिए है, पर ये 25 हर 25 दिन का इनकम है 22,500 रुपया। तो सबसे पहले हम बतख के बारे में बात करेंगे। बतख में आप सपोज़ करो आपके पास 18 बतख है, जिसमें कि 15 फीमेल है, 3 मेल है, यानी 15 फीमेल बतख है। और अगर वो 15 बतख रोज़ सिर्फ 7 अंडा देता है तो आपका 24 दिन में 168 अंडा होता है। 15 बतख सिर्फ 7 अंडा पर डे अगर दे रहा है तो 24 दिन के अंदर आपका 168 अंडा हो जाता है, जो कि आप एवरेज मानो तो आपका 160 अंडा आपके पास आ जाता है। तो 160 अंडा में आप समझ लो, आप हैचिंग में डालते हो तो 150 बच्चा निकलता है उससे, 150 चिक्स। और अगर 150 चिक्स का बचपन से लेकर के अगर 3 महीने तक का, यानी 1 kg वजन तक का अगर आप खर्च जोड़ोगे मेरे बताए हुए तरीके से, मेरा अगर पुराना वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा 1.25 रुपये का खर्च बैठता है। स्टार्टिंग में 25 पैसा 50 पैसा खर्च होता है, बाद में थोड़ा 1.5 रुपये पौने 2 रुपये बढ़ता है। तो हम एवरेज निकाले हैं 1.25 रुपया। तो उस हिसाब से एवरेज निकालने के बाद आपका टोटल जो खर्च आएगा एक बतख के पीछे 225 रुपया पर डे का हिसाब से खर्चा होगा। तो 225 रुपया पर डे का हिसाब से खर्चा होगा, 90 दिन का आपका खर्च हो जाएगा 20,250 रुपया। अगर आपका 20,250 खर्चा हो रहा है 150 बतख में, और 150 बतख को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो लोकल में 300 से 350 रुपया में बिकता है आराम से, जो कि जैसे अभी होली का टाइम है तो मेरे फॉर्म पर से 350 रुपये में बतख आराम से बिक जा रहा है। पर आप ऑन एन एवरेज 300 रुपये का भी रेट लोगे तो 150 × 300, तो टोटल आपका 45,000 का बतख बिका। तो यानी कि आप सेल किए 45,000 का, खर्च किए इसमें 20,250 रुपये का खाने का खर्च, बेनिफिट हुआ आपको टोटल 24,750। या 24,750 एक महीने का नहीं है, 24,750 तीन महीने का है। तो एक महीने का अगर आप प्रॉफिट डिवाइड करोगे तो 3 महीने के हिसाब से 3 से डिवाइड करोगे तो एक महीने का आपका इनकम होगा 8,250 रुपये। तो ये हो गया बतख का। सिमिलर अगर हम मुर्गी में लेके जाते हैं तो सेम प्रोसेस है, 18 मुर्गी रखो पर डे, 7 का एवरेज पकड़ो कि 7 मुर्गी पर डे अंडा दे रहा है। उसमें आप सोनाली रख सकते हो, देसी रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो वो मुर्गी रख सकते हो। और 168 अंडा आएगा, जिसमें एवरेज आप 160 पकड़ के चलो, जिसमें 150 चूजा आपका निकल रहा है। 150 चूजा का खर्च जो है आप मुर्गी में जो है ना बहुत कम खर्च होता है, क्योंकि उसको और भी एक्स्ट्रा खिला सकते हो, जैसे कि चिकन वेस्ट हुआ, सब्जी का बच्चा कुचा, घर का सब्जी का कतरन वगैरह सब जो बच जाता है वो सब खिला सकते हो, तो इसमें और खर्चा कम होता है। तो 1 रुपये का खर्च हम निकाले हैं, निकाले क्या खुद एक्सपीरियंस करके हम देखें। तो 150 रुपये, 150 बच्चों में 150 रुपये के हिसाब से अगर खर्च जोड़ेंगे, 90 दिन का मेरा 13,500 रुपया टोटल खर्च मेरा 3 महीने में आएगा, 13,500 रुपया टोटल 150 मुर्गी तैयार करने में। तो अब 150 चिकन मुर्गी है मेरे पास, जिसमें से कि अगर मुर्गी है वो तो 250 से 300 रुपये में बिकता है, और अगर मुर्गा है तो 450 से 500 रुपये का बीच में बिकता है। तो एवरेज अभी मेरे पास कितना मुर्गी है कितना मुर्गा है इसका तो हमको पता नहीं है। ऑन एन एवरेज प्राइस निकालने का सबसे अच्छा तरीका है मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 250 + 500 / 2 कर दिए तो एवरेज प्राइस मेरा निकल गया 375 रुपये, यानी मेरा हर मुर्गी लगभग लगभग समझ लो 375 रुपये में बिक रहा है। तो 150 चिकन है, 375 का प्राइस है, टोटल मेरा बिका कितने का 56,250 रुपये का। अब सेल हुआ है मेरा 56,250 रुपये का, खर्चा हुआ है 13,500 का, बेनिफिट हुआ है 42,750 रुपये का। ये 3 महीने का है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का निकला है मेरा 14,250 रुपये। तो अगर आप बत्तख और मुर्गी का प्रॉफिट मिला दे तो 22,500 रुपया पर मंथ मेरा इनकम हो गया। और ये पर मंथ नहीं, 24 दिन का ये मेरा सर्कल है, आप इसको एक मंथ बोल सकते हो पर ये प्रॉपर 24 दिन का सर्कल है। अब आप खुद सोचो आपको क्या करना है, आप इसके साथ कुछ बढ़ा के कर सकते हैं अपने बजट और मेहनत के अनुसार से, जैसे 2-4 बकरी रख सकते हैं या बटेर रख सकते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। अब
आप सोचो कि आप अब इतना बच्चा, इतना जो अंडा आ रहा है उसका हेचरी कहाँ से करे, क्या करे वगैरह वगैरह। तो अभी हम पूरा नीचे डिटेल्स में आपको जो जो सामान का ज़रूरत पड़ता है मुर्गी फॉर्म में, छोटा मुर्गी फॉर्म में जो हम यूज करते हैं, सेम वही सब चीज़ का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालेंगे लिंक के साथ। आप वहाँ से खरीद सकते हो या ले सकते हो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। अभी जो हम रिकमेंड करेंगे वो है 320 अंडा का कैपेसिटी वाला, 320 अंडा का कैपेसिटी वाला हेचरी आता है 18,999 रुपये में। ये एक बार आप खरीदोगे तो आपका 2 से 3 महीने 4 महीने में आपका वो पैसा रिकवर हो जाएगा। आप खुद सोचो कि अगर आप 45-45 रुपये में, 55-55 रुपये में एक बार बत्तख का चूजा लाते हो तो आपको हर महीने उतना पैसा आपको डालना है। तो आप बच्चा जितना का खरीदोगे, 2 से 3 महीने का बच्चा अगर खरीदते हो तो उतना पैसा में आपका खुद का हेचरी हो जाएगा। और ये हेचरी जो है आप घर का बिजली पे यूज कर सकते हो, घर में यूज कर सकते हो, और जहाँ भी जैसे बच्चा हुआ उसको एक हफ्ता तक अपना घर में ब्रूडिंग में रख लो, उसके बाद सीधा आप वहाँ पे आप अपना फॉर्म के ऊपर ले जा सकते हो। तो जो भी मतलब इस फॉर्म में यूज होता होने वाला मेन चीज़ होता है जो कि ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है, उस चीज़ के बारे में हम बता देते हैं ताकि आपका कॉस्ट जो है बहुत कम पड़े। सबसे पहले तो 100 ग्राम का बरसीन का ग्रास सीड है, एक नंबर पे 199 रुपये में मिलता है, 100 ग्राम का आता है। दूसरा मक्खन ग्रास है, 260 रुपये का आता है, 200 ग्राम है। तीसरा सुपर नेपियर ग्रास है, ये 333 रुपये का 250 ग्राम है। ओजोला है, 150 रुपये का 100 पीस देता है। तो ये हो गया घास के बारे में। और दूसरा उसके बाद आता है लीवर टॉनिक। अगर बर्ड जो है आपका अंडा देने में लेट कर रहा है या कुछ और पेट से प्रॉब्लम है तो आप उसको हफ्ते में एक बार या 3 दिन में एक बार पिला सकते हो, 199 रुपये में 50 ml का आता है। और एक जो है 199 रुपये में 500 ml का आता है। और दूसरा जो उसके नीचे वाला है ये 349 रुपीज़ में 1 लीटर का आता है। तो ज़्यादातर रिकमेंड हम करेंगे कि 1 लीटर वाला ही आप खरीदो ताकि ये हमेशा यूज आता है इस वजह से। और जो साइड में मेरा वीडियो में जो ग्रीन शेड वगैरह सब आप देखते हो, तो ये ग्रीन शेड 5x165 फीट, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें बहुत लंबा होता है, आपको काट छाँट के जहाँ जहाँ यूज करना है वो यूज कर सकते हो और कॉस्टिंग में अच्छा रहता है वो। तो 1589 रुपये का है, एक बार खर्चा होगा पर हमेशा यूज होगा और अच्छा क्वालिटी का आता है। और उससे सस्ता अगर आपको लेना है तो 449 रुपये का 8x32 फीट आता है। ये 32 फीट ही सिर्फ आता है, सोचो 32 फीट का आपको लग रहा है लगभग 500 रुपये और 165 फीट का लग रहा है 1500 रुपये। तो आप सोचो 32 × 3 120 फीट का में ही इसका आ रहा है, 40 फीट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसलिए हमेशा कभी भी खरीदो तो बड़ा ही खरीदो। तो ये हो गया ग्रीन शेड। उसके बाद इंक्यूबेटर, अगर आपका बजट कम है तो आप 64 अंडा का कैपेसिटी से भी शुरू कर सकते हो। 64 अंडा का कैपेसिटी जो है ये 8400 रुपये का आता है, 8499 रुपये का। 128 अंडा का कैपेसिटी जो है वो आपको मिलेगा 12999 रुपये का। 192 एक कैपेसिटी का आता है 14999 रुपये का। 256 एक का कैपेसिटी का आता है 16399 रुपये का। 320 एक का कैपेसिटी का आता है 18999 रुपये का। ये सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो यही 320 कैपेसिटी का लो ताकि 150-150 अंडा दोनों से निकले, उसमें कम से कम आपका अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाएगा और मुर्गी और बतख दोनों का हो जाएगा। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप थोड़ा सस्ता क्वालिटी में लेना चाहते हो, इसमें एग से चिक्स का परसेंटेज जो है थोड़ा कम है पर सस्ता आप ले सकते हो। 120 कैपेसिटी का आपको सिर्फ 5100 रुपये में आएगा, ये आपका फाइबर बॉडी में आएगा। और 65 कैपेसिटी का 2699 रुपये का आएगा, ये थर्मोकोल का कैपेसिटी का आएगा। तो ये दोनों है लेकिन ये टेम्प्ररी है काम चलाऊ के लिए। अगर आप सिर्फ काम चलाने के लिए कुछ दिन के लिए खरीदना चाहते हैं तो ये दोनों खरीदो, नहीं तो फिर ऊपर वाला जितना है ये सब टोटल जो है मल्टी फंक्शन फुल्ली ऑटोमेटिक है। और मेरे हिसाब से ये 320 कैपेसिटी वाला खरीदो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, रिजल्ट इसका अच्छा है। हम खुद यूज़ करते हैं, मेरा फ्रेंड यूज कर रहा है और एक और हम ऑर्डर किए हुए हैं, मेरे पास भी ये जल्दी आ जाएगा। तो ये सारा लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर करना, और मेरा चैनल का पेज पे जा करके वहाँ नंबर और एड्रेस वगैरह सब मेरा दिया हुआ है। कमेंट में एड्रेस और नंबर आप पूछते हो तो कितने लोग को हम रिप्लाई कर सकते हैं सिर्फ नंबर और कमेंट, तो उस हिसाब से आप मेरा चैनल पे डायरेक्ट क्लिक करना, वहाँ आपको दिख जाएगा, हम आप ही लोग के लिए नंबर और एड्रेस वहाँ पर डाले हुए हैं। और अगर इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप बता क्वेश्चन कर सकते हो। और जितना हम समझाए हैं, आप सोचो 20-18 बत्तख और 18 मुर्गी पालना कोई बड़ा चीज़ नहीं होता, ये आप अपने घर पे रख सकते हो, घर पे छोटा सा जगह पे। और जब एक फूट जाए तो फिर आप छोटा सा एक से जब चिक्स निकल जाए तो फिर आप छोटा सा फॉर्म कहीं पे थोड़ा घर से थोड़ा दूरी फॉर्म खोलना होता है तो वहाँ पे जा करके आप उसका प्रोडक्शन कर सकते, मतलब उसको बड़ा करके मार्केट में बेच दो। लेकिन आप हेचरी और चिक्स वगैरह सब वहाँ से अंडा ला करके
आराम से अपना घर पे कर सकते हो, घर का ही बिजली यूज होता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी वहाँ पे बिजली के लिए लाइसेंस या और कोई चीज़ का जरूरत नहीं है, आप घर पे सारा चीज़ करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस टाइप का अगर जानकारी और चाहिए तो कमेंट करना। अभी मेरे हमको लगा कि जो जितना चीज़ हमको जानकारी है इस चीज़ के बारे में आप लोग को बताना चाहिए। कुछ भाई लोग कमेंट किया था कि आप रिसर्च करते हो तो उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके करो, तो इसलिए इस बार हम पेपर पेन ले करके बैठे हैं और एक एक चीज़ समझाए हैं कि कितना किस चीज़ में खर्च होता है, क्या होता है। और हाँ, आप जो सोच रहे हो कि सिर्फ 1.25 रुपये कैसे खर्च होता है खिलाने में, सिर्फ 1 रुपये कैसे खर्च होता है, तो अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते हो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि लो कॉस्ट कटिंग हम कैसे करते हैं, हरा चारा क्या क्या खिलाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हरा चारा का लिंक वगैरह सब भी दिए हैं, आपको किस टाइम पे धान देते हैं, किस टाइम पे हरा चारा देते हैं, ये सारा का सारा वीडियो बनाया। एक ही चीज़ अगर बार बार बनाएंगे तो नया कस्टमर के लिए तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नया व्यूअर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराना व्यूअर है उसको बोरिंग लगेगा, फिर वो मेरा चैनल छोड़ देगा देखना कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसलिए नया व्यूअर जो भी है दिल से सॉरी, पर आप मेरा मजबूरी समझो, एक ही चीज़ हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा मेहनत करो। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा मेहनत कर ही सकते हो, मेरा पुराना वीडियो वगैरह सब पे जा के देखो टॉपिक। और हमको थंबनेल उतना अच्छा से लिखने नहीं आता है, तो आप थंबनेल के ऊपर मत जाओ कि थंबनेल पे ये लिखा है तो अंदर में इस टाइप का चीज़ होगा उस टाइप का चीज़ होगा। बस कोशिश यही करो कि मेरा हर वीडियो सिर्फ एक बार देखो, एक बार देखने में देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दो कि हमको इस चीज़ के बारे में अच्छा नहीं लगा या ये चीज़ समझ में नहीं आया ऐसा वगैरह, लेकिन आप थंबनेल देख करके काम मत करो, टाइटल देख के काम मत करो, क्योंकि हम एक इस चीज़ का यूट्यूब का एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है, हम फार्मिंग से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, तो सारा का सारा टाइम उसी में जाता है। मेरे पास कोई रिसर्च यूट्यूब का रिसर्च टीम नहीं है, यूट्यूब का एडिटर नहीं है, आप मेरा वीडियो पे गौर करते होगे, एक बार में जो दिल में आता है जितना समझ में आता है उतना बताता हूँ, जो दिल में है वही मुँह पे है, तो इसलिए सीधा बात नो बकवास। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर बने रहो, आप लोग का प्यार मिलता है बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है, तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करने बोलूंगा नहीं क्योंकि आप लोग करोगे नहीं भाई, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कि मेहनत करते रहेंगे चाहे कामयाबी मिले ना मिले, पर कभी किसी का तलवा चाट के कामयाबी का गद्दा गर्म नहीं करेंगे। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है।